क्योंकि मैं सच कह रहा, सभी बात करने में जो बात पता ना हो, मुझे मालूम था कि इस तरह का विभाग है, लेकिन असलियत में ये कितना कारगर है मुझे उसकी जानकारी ज्यादा नहीं थी। और मैं वाकई में अचंभित हूं कि हमारी जो सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी गरीबों के प्रति क्या नजर गया इस बात को इंगित करता है कि जो हमारे कामगार बोर्ड में रजिस्टर्ड अगर हो जाते हैं, सदस्य बनते हैं, तो जन्म से लेकर उनके अंतिम सांस तक सरकार में। मोटे तौर पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, मुझे मालूम था, पर इतना मुझे मालूम नहीं था शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, इसकी जो जानकारी है वो आम जन तक नहीं पहुंच पाई। जैसा मेरी जानकारी में आया, जो 90 दिन रजिस्टर्ड हो, 90 दिन का जरूरी है, वो आपको सर्टिफिकेट जहां काम किया वहां मिलेगा। उसके बाद जो पंचायत के हमारे प्रधान है उसकी पुष्टि करें, वो सदस्य बने। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे जो पदाधिकारी है पार्टी के या इंटर के अध्यक्ष भी बैठे कि आप इसमें रुचि। अब ठेक में क्या हुआ काम उसकी मैं आज बात नहीं करना चाहता, आज मेरा टॉपिक यही तक सीमित रहने। मैंने एक बात कही, मैं कई जगह पर कहता हूं कि आज अगर हम देखते हैं हमारे यहां कारपेंटर की बहुत कमी, हमारे बच्चे काम नहीं करना चाहते या हम प्रेरित नहीं करते। कारपेंटर हमारे भारतीय प्रदेशों से, जो हमारे परंपरागत मिस्त्री थे उनके बच्चों ने भी काम करना छोड़ दिया। हमारा जो दर्जी का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, वो भी हमारे बाहर के प्रदेशों। अभी एक दिन मैं लोअर बाजार में किसी दुकान पे कपड़ा खरीदा, वो कांग्रेस के बड़े, उनके पिताजी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, उन्होंने मुझे एक बात की कि सर हमारी दुकान, लेकिन हमारे क्षेत्र से एक भी दर्जी नहीं है, सारे के सारे बाहर से, और इतना ज्यादा पैसा है। हमारे कोई जो हाथ का काम है वो नहीं करना चाहते। आज आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है कितना पैसा कमा के जाते हैं, भवन निर्माण का काम लो, प्लम्बर हो, फिटर हो, थोड़े बहुत इलेक्ट्रिशियन जरूर हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए सरकारी नौकरियां सीमित हो रही, और भारतीय प्रदेशों से आ रहे वो पहले इस साल जो है मजदूरी का काम करते हैं, दूसरे साल ठेकेदार हो जाते हैं। तो इस तरफ हमें जाने की जरूरत, हम सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं, ठीक है जहां सरकारी नौकरी है वहां भी हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत है। अभी इंटरव्यू हुए जो मल्टीटास्क है, और आप हैरान होंगे सैकड़ों की संख्या, और मैंने एक बात की 4-4 हजार रुपए हमको मिल रहा है, 4.5 हजार। अब आप बताइए 4.5 हजार में क्या उनका गुजारा होगा, और उन्हें लग रहा था कि ये सरकारी नौकरी आउटसोर्स के थ्रू रख रहे, और पढ़े लिखे नौजवान भी इसमें। आज हमें इस बात को समझना, जहां मेरी कोशिश है मैं बागवानी और पर्यटन इन दोनों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इससे भी हमारे जो है आजीविका बढ़ेगी, हमारे सेब के बगीचे उसके लिए भी बहुत कुछ किया है, यूनिवर्सल कार्टर लेके आई है हमारी सरकार, किलो के हिसाब से सेब इतना शुरू हुआ, और भी बहुत सारे काम हुए।
पर्यटन की दृष्टि से भी हम देख रहे हैं, लेकिन हमें इन कामों की तरफ भी जाना चाहिए। और जैसा अभी मंच से नरदेव कंवर जी ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा गरीबों का सोचती है, हमारी नीति रही है, हमारी सोच सरकार की यह है कि हम समाज का जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद कैसे की जाए। हमें दूसरे घरों की बात नहीं करता, उनकी सोच पूंजीपतियों के प्रति। आज जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है या भाजपा की सरकार हिमाचल में नहीं, कितना गरीबों का हित किया मुझे कोई बताए।